हेलो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस समय आम बाज़ार में छाया हुआ है। सभी लोग आम खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर आम को अलग तरह से बनाया जाए तो कुछ और ही स्वाद आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे मैंगो अमरखंड। इसको मैंगो श्रीखंड भी बोलते हैं, आम का श्रीखंड। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो दही है उसका पानी निकालना होता है। तो इसके लिए मैंने एक भगोना लिया है और उसके ऊपर चलनी रखकर मैंने एक मलमल का कपड़ा रखा है जिसमें मैं दही को डाल रही हूँ। तो सारा दही इसमें डाल के हम इस तरह से उसको लपेट लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को हम इकट्ठा कर लेंगे और हम अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसका पानी निकालेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये पानी निकलने में बहुत समय लग जाता है। तो जितना पानी मैक्सिमम हाथ से निकाल सकते हैं उसको हम हाथ से प्रेस करके निकालते हैं। और इसके बाद हम इस तरह से लपेट के इसको छलनी पर छोड़ देते हैं ताकि जो भी बचा खुचा पानी है वो इसमें निकल जाए। तो करीब 4 घंटे तक मैंने इसको छोड़ दिया था। अभी आप देख रहे हैं कि सारा पानी दही से निकल चुका है। और दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो दही आपको लेना है वो एकदम फ्रेश लेना है, आपको खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना है। और ये देखिए, हमने ये पानी अलग कर दिया है, कितना पानी इस दही से निकला है। इस पानी से आप चाहें तो कढ़ी बना सकते हैं। तो अभी ये जो हमारा क्लॉट निकला है दही का, जिसको कि हम हंग कर्ड भी बोलते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ में हंग कर्ड यूज़ किया जाता है, तो उसे एक बोल में निकाल लेंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट दही है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। तो इस तरह से हम हंग कर्ड बना सकते हैं। पनीर की बहुत सारी वैरायटीज़ में, ख़ासतौर से पनीर टिक्का में भी हंग कर्ड का यूज़ होता है। तो इस हंग कर्ड को हम बोल में निकाल लेंगे और इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले इस हंग कर्ड को हम बीट करेंगे। तो एक स्पैचुला लेकर इस तरह से हमें उसे चलाना है, अच्छी तरह से करना है मैश। और इसको इतना मैश करना है कि जब तक इसका जो वेट है वो लाइट ना हो जाए, बहुत हल्का ना हो जाए ये वज़न में। इसको बीट करने के बाद ये एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेस करते हुए और चलाते हुए हमें इसको फेंट लेना है। आप देख रहे हैं कि ये कितना चिकना नज़र आ रहा है और अब ये हल्का भी हो गया है काफ़ी। तो इस तरह से हम इसको फेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आम लिया है, बड़े साइज़ का आम है ये, और इस तरह से हम इसकी स्लाइस को कट कर लेंगे। और इसके बाद हम इस तरह से इस पर कट लगाएंगे, क्योंकि हमें इसका गूदा निकालना है। तो इस तरह से आम के पीसेस कट करने के बाद हम ये सारा जो गूदा है वो चम्मच की हेल्प से निकाल लेंगे। तो इस तरह से प्रेस करते हुए हम मिक्सी के जार में ये सारा जो इसका पल्प है उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। दोस्तों, आम बहुत टेस्टी फल होता है और इससे हम बहुत सारी वैरायटीज़ बनाते हैं, लेकिन आप एक बार इसको ज़रूर बना के देखिए। आप ये अमरखंड जब बनाएंगे तो वास्तव में पाएंगे कि कितना डिलीशियस टेस्ट होता है। आम का एक नया टेस्ट आपको इसमें नज़र आएगा। तो इसी तरह से हम दूसरी स्लाइस से भी सारा पल्प निकाल लेंगे और फिर मिक्सी का जार का लीड लगाकर हम इसको पीस लेंगे। तो आप देखिए कितना स्मूथ पेस्ट यहाँ पर हमको आम के पल्प का मिला है, कहीं भी इसमें कोई लम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो दही हंग कर्ड था, इसको हमने फेंट के रखा था, इसको एक बार हल्का सा चलाएंगे, क्योंकि हमने इसको बीट करने के बाद फ्रिज में रख दिया था जब तक हम मैंगो पीस रहे थे। और इसके बाद ये पल्प इसमें हम मिला देंगे, ऐड कर देंगे। इस पल्प को हंग कर्ड के साथ हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है, करीब 1/4 टीस्पून, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इस पल्प को हंग कर्ड में मिक्स कर दिया है।
ये देखिए बहुत ही स्मूथ सा क्रीमी सा ये टेक्सचर बन गया है इसका। अब हम इसमें मिलाएंगे ये पिसी हुई चीनी। आप इसमें साबुत चीनी बिल्कुल ना मिलाएं क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पाती और उसके जो दाने होते हैं वो स्मूथनेस को कम कर देते हैं, इसलिए आप पिसी हुई चीनी का ही इसमें यूज़ करें तो बेटर होगा। तो अभी देखिए इसको चीनी डाल के हमने मिक्स कर दिया और इस बीच में आप इसे एक बार चेक भी कर सकते हैं, अगर चीनी आपको कम लगती है तो आप इसमें और चीनी भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आम खुद ही खट्टा मीठा होता है तो इसलिए चीनी ऐड करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों तैयार हो गया है हमारा ये मैंगो श्रीखंड या मैंगो अमरखंड, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसको अब मैं कर लूँ सर्व और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैं इसको सर्व करूँगी। दोस्तों प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, अगर आप किसी भी चीज़ को ब्यूटीफुली प्रेजेंट करेंगे तो बस खाने का स्वाद बढ़ जाएगा और आपकी बहुत तारीफ भी होगी। तो इस तरह से स्पून से मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ और इसके बाद एक फोक लेके मैं इस पर इस तरह से डिज़ाइन बना दूंगी। तो एक बहुत ही लजीज सा डेजर्ट यहाँ पर तैयार हो रहा है और जब इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। और अब इसके ऊपर मैं थोड़े से मैंगो के पीसेस लगा रही हूँ और इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने बादाम काजू और किशमिश यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ते का टेस्ट इसके ऊपर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा डेजर्ट हमारा बन के हो गया तैयार। थोड़े से ड्राइड रोज़ के पेटल्स यानी कि गुलाब की पत्तियाँ मैं इस पर लगा रही हूँ जिससे कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। तो ये देखिए हमारा डेजर्ट हो गया रेडी और डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपके मुँह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो कैसी लगी मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर बताइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन कौन सी डेजर्ट पसंद है। तो दोस्तों ऐसी और भी रेसिपीज़ टाइम टाइम पर मैं आपके लिए लाती रहूँगी, आप इनको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।